हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एल्जरा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई इट मींस इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द रूट्स विच आर सेटिस्फाइड बाई द रूट्स सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट कंडीशन दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन ए पी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन जीपी तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट यह ध्यान रखना है कि अगर रूट एपी में है देन यू विल यूज समूट एंड इफ रूट्स आर इन जी पी देन यू विल यूज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए रूट्स एपी में गिवन है तो हम रूट्स को कोज्यूम कर लेंगे लेट एल्फा माइनस बीटा एल्फा एंड एल्फा प्लस बीटा बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन तो हमने मान लिया कि रूट एल्फा माइनस बीटा है एल्फा एल्फा प्लस बीटा तो यहां से सम ऑफ रूट्स निकालिए सम ऑफ रूट्स देखिए क्या आएगा इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा थ्री अल्फा बट अगर आप इक्वेशन से निकालेंगे तो रूट सम ऑफ द रूट क्या आएगा माइनस ऑफ दिस कॉफिशेंट एंड डिवाइडेड बाय दिस कोफिशंट तो दैट इज माइनस थ्री पी एंड दिस इंप्लाइज एल्फा इज इक्वल टू माइनस पी एल्फा आपके पास माइनस पी आ गया और अगर आप देखें एल्फा एक रूट है इट मीन्स एल्फा रूट है तो एल्फा इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा एल्फा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन सपोज दिस इक्वेशन इज वन देन एल्फा क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा तो एल्फा पुट करने से एल्फा क्यूब प्लस थ्री पी एल्फा स्क्वेयर प्लस थ्री क्यों एल्फा प्लस आर ये क्या हो जाएगा जीरो बट एल्फा हमारे पास क्या है माइनस पी है और देखिए हमने ये एज्यूम किए हैं ठीक है थीके? तो जो चीज़ हम एज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट करना है तो एल्फा को हम एलिमिनेट करेंगे एल्फा को माइनस पी रख दे यहां पर तो देखिए क्या आएगा माइनस पी क्यूब प्लस थ्री पी एल्फा की जगह रखेंगे माइनस पी स्क्र प्लस थ्री क्यू एल्फा की जगह माइनस पी प्लस आर इक्वल टू जीरो सिंपलीफाई करें इसको तो, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब पी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस थ्री पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो ओके तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर तो ये आपके पास आएगा टू पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन ए पी सिमिलरली देखिए अगर रूट्स जीपी में होंगे तब हम उनको क्या एज्यूम करके चलेंगे एल्फा बीटा एल्फा एल्फा बीटा थ्री रूट आर इन जीपी तो हमने ये रूट्स मान लिया अल्फा बाय बीटा एल्फा एल्फा बीटा तो जब रूट जीपी में होंगे तब तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करेंगे इन तीनों का प्रोडक्ट निकालिए क्या एल्फा क्यूब बट अगर इक्वेशन से देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आएगा माइनस इसके साथ प्लस एंड माइनस तो दिस इज इक्वल टू माइनस आर ओके तो दिस इम्प्लाइज एल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस आर रेस टू पावर वन बाय थ्री ओके okay, अब देखिए ये अल्फा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा क्यूब हमारे पास क्या हुआ माइनस आर प्लस थ्री पी एल्फा की वैल्यू क्या हुई माइनस आर रेज टू पावर वन बाय थ्री है स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा टू बाय थ्री प्लस थ्री क्यू एल्फा क्या है हमारे पास माइनस आर रेज टू पावर वन बाय थ्री एंड प्लस आर इक्वल टू जीरो तो यहां से आर से तो आर कैंसिल हो गया फर्दर देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया थ्री पी माइनस आर रेज टू पावर टू बाय थ्री इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री क्यू माइनस आर रेज टू पावर वन बाय थ्री अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा देखिए पहले तो आप थ्री से थ्री कैंसिल कर दें क्यूब करें दोनों तरफ तो इधर क्या आएगा पी क्यूब इधर क्यूब करेंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा माइनस आर स्क्वायर दैट इज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब इधर क्यूब करेंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा दैट इज माइनस आर ओके तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया अब आप क्या करें आर से आर कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या बचा पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू क्यूब एंड दिस इज द कंडीशन वेन द रूट्स आर इन जीपी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू तो इट मीन्स यहाँ पर दो रूट्स का सम बाकी दो रूट्स के सम के सम इक्वल है तो यहां पर हम सम ऑफ द रूट्स यूज करेंगे तो डिग्री इक्वेशन की क्या है फोर डिग्री है तो हम मान लेते हैं कि लेट एल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन कॉल दिस इक्वेशन वन ओके तो सम ऑफ द रूट्स यूज करना आपने एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा देखिए रूट्स का सम क्या आएगा यहाँ से माइनस ऑफ दिस पी बट आपको क्या गिवन है सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू तो आप ये मान सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा दो रूट्स का सम बाकी दो रूट के सम के इक्वल हुआ तो यहां से देखिए क्या आएगा आप गामा प्लस डेल्टा की जगह क्या पुट कर सकते हो एल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा टू एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एंड दिस सिंप्लाइज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी बाय टू तो देखिए अगर एल्फा प्लस बीटा पी बाय टू हुआ तो गामा प्लस डेल्टा भी कितना हो जाएगा पी बाय टू हो जाएगा इट मीन्स दो रूट्स का सम हमें पी बाय टू मिल गया और बाकी दो रूट का सम भी कितना है पी बाय टू ओके तो यहां से हम इनका प्रोडक्ट एज्यूम कर लेते हैं लेट एल्फा बीटा इज इक्वल टू के एंड इधर से गामा डेल्टा इज इक्वल टू के डैश ओके okay, तो यहां से हम क्या करेंगे ये जो फोर डिग्री इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक करेंगे दो रूट का सम अवेलेबल है प्रोडक्ट के मान लिया हमने दो रूट का सम अवेलेबल है प्रोडक्ट क्या मान लिया के डैश तो ये जो इक्वेशन है इसको आप ब्रेक कर सकते हो एक्स फोर माइनस पी एक्स क्यूब प्लस क्या एक्स माइनस आर एक्स प्लस एस इसको आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक कर लेना है एक्स माइनस सम ऑफ द रूट पी बाय टू एक्स प्लस प्रोडक्ट के सिमिलरली एक्स स्क् माइनस पी बाय टू एक्स प्लस के डैश बस हमने यहां से अब क्या करना है के और के डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके okay. और उनको एलिमिनेट करना है. तो देखिए कैसे अब यहां से हम क्या करेंगे कॉफिशियंट कंपेयर करेंगे ओके okay, तो यहां से देखिए अगर आप एक्स स्क्ट कंपेयर करेंगे तो यहां से क्यों आएगा इधर से देखिए एक्स कैसे आएगा के इंटू एक्स स्क्वेयर के डैश इंटू एक्स स्क्वेयर तो ये के प्लस के डैश और माइनस पी बाय टू माइनस पी बाय टू दैट इज पी स्क्वेयर बाय फोर ओके तो यहां से हमारे पास के प्लस के डैश की वैल्यू आ जाएगी के प्लस के डैश इज इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वेयर बाय फोर ओके अब देखिए यहाँ से आप ये ओपिशन कंपेयर करें माइनस आर एक्स की टर्म्स इधर से देखिए कैसे आएगी के इंटू माइनस पी बाय टू तो देट इज़ माइनस पी बाय टू इंटू के कैसे देखिए के इंटू माइनस पी बाय टू फिर यहाँ से देखिए के डैश इंटू माइनस पी बाय टू के डैश इंटू पी बाय टू ओके तो यहाँ से अगर आप देखेंगे माइनस बाहर निकाल लें माइनस पी बाय टू बाहर निकाल लें यहाँ से तो आपके पास क्या बचेगा के प्लस के डैश और इधर से क्या आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस आर ओके तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो के प्लस के डैश क्या आएगा कैंसिल आउट कर दे माइनस से माइनस टू आर बाय पी टू आर बाय पी तो देखिए एक वैल्यू आपके पास के प्लस के डैश की ये है और एक वैल्यू ये है दोनों वैल्यू के प्लस के डैस है इक्वेट कर दें इक्वल है दोनों वैल्यूज ठीक है तो क्या हुएर बाई फोर इज इक्वल टू टू आर बाई पी ओके तो जस्ट यहां से एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा दिस इंप्लाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा फोर पी जाएगा, तो यहां से आएगा आपके पास फोर पी क्यू माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू एट आर ओके तो फर्दर इसको शिफ्ट कर ले तो पी क्यूब फोर पी क्यू प्लस एट आर दिस इज दंडीशन एंड दिस इज दंडीशन वेन ऑफ दूट इज इक्वल टू बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन के अंदर के और के डैश को एज्यूम किया ओके okay? तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए जो हमने एज्यूम किया वो एलिमिनेट हो जाए तो इसलिए हमने के और के डैश को एलिमिनेट किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन फॉर द इक्वेशन एक्स फोर प्लस पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्स आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कंप्यूट करेंगे यहाँ से तो हम पहले रूट मान लेते हैं लेट एल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वन ओके तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो देखिए क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस तो ये हमारे पास आएगा दिस इज एस ओके बट हमें गिवन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दैट इज हमें गिवन क्या है अल्फा बीटा सपोज दो रूट का प्रोडक्ट किसके इक्वल है दो रूट के प्रोडक्ट के इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट कैसा है अपोजिट इन साइन ओके तो इट मीन गामा डेल्टा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं माइनस एल्फा बीटा ओके तो दिस इंप्लाइज तो यहां से देखिए क्या आएगा एल्फा बीटा गामा डेल्टा की जगह हम क्या यूज करेंगे माइनस एल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू एस एंड दिस इंप्लाइज एल्फा बीटा स्क्वेयर ये माइनस यहाँ एडजस्ट कर दे माइनस एस एंड दिस इम्प्लाइज एल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वेयर रूट प्लस माइनस ओके तो इट मीन्स अगर आप एल्फा बीटा को प्लस प्लस साइन लेकर चलेंगे रूट माइनस एस तो गामा डेल्टा माइनस हो जाएगा अगर गामा डेल्टा को प्लस ये लेकर चलेंगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस तो इनमें से आप एक जो एक वैल्यू है वो अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वैल्यू गामा डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगी ओके ठीक है तो अब हमें क्या गिवन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू अगर मैं ये मान लू कि माइनस एस है और गामा डेल्टा हम क्या मान लेंगे माइनस ऑफ गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एस ओके बिकॉज प्लस वैल्यू हमने अल्फा बीटा के लिए एज्यूम कर लिया और गामा डेल्टा के लिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे माइनस इट मींस हमें दो रूट का प्रोडक्ट पता चल गया अब हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एल्फा प्लस बीटा इज के एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू तो के डैश ओके एल्फा बीटा हमारे पास अवेलेबल है हमने सम को एज्यूम कर लिया के है और गामा प्लस डेल्टा का सम क्या मान लिया हमने के डैश तो हम क्या करेंगे ये जो फोर डिग्री इक्वेशन है इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक करेंगे एक्स फोर प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सम ऑफ रूट क्या माना आपने के के एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस रूट एस इंटू में सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वेयर माइनस के डैश एक्स माइनस माइनस ऑफ रूट माइनस एस ओके तो अब हम यहाँ से क्या कंप्यूट करेंगे कोफिशंट्स कंपेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि के और के डैश एलिमिनेट हो जाए ओके okay? तो यहां से पहले थर्ड डिग्री कंपेयर करते हैं इधर से देखिए क्या आएगा पी यहां से क्यूब देखिए कैसे आएगा माइनस के इंटू दिस वन तो ये आएगा आपके पास ओके फिर इधर से के डैश इंटू दिस तो माइनस के डैश ओके तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आ गई हमारे पास के प्लस के डैश इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस पी ओके अब हम सेकेंड डिग्री टर्म को कंपेयर करें एक्स स्क्र के क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो क्यों आएगा इधर से इधर से देखिए एक्स स्क्र कैसे आएगा माइनस रूट एस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस रूट एस नेक्स्ट इज दिस वन इंटू दिस तो माइनस माइनस ऑफ रूट एस एंड k इंटू k डैश के इंटू के डैश ओके तो यहां से देखें आपके पास क्या होगा क्योंकि ये देखिए ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट है इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड दिस इंप्लाइज के के डैश इज इक्वल टू क्यों ओके अब हम क्या कंपेयर करेंगे एक्स की टर्म्स कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास ये आएगा आर ओके okay? तो आर कॉन्स्टेंट टर्म देखिए सॉरी एक्स की टर्म्स देखिए कैसे आएंगी दिस फैक्टर इंटू के डैश तो ये आएगा आपके पास माइनस रूट माइनस एस इंटू माइनस के डैश तो ये माइनस आप यहाँ लगा लें के डैश ओके ऐसे ही माइनस ऑफ दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा आपके प्लस रूट ऑफ माइनस एस के ओके तो दिस इंप्लाइज़ यहाँ से अगर आप कंप्यूट करेंगे तो इसको देखिए क्या आएगा के प्लस के डैश की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो हमारे माइनस के माइनस के डैस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर बाय रूट माइनस एस ओके तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली कॉल दिस इक्वेशन वन कॉल दिस इक्वेशन टू एंड कॉल दिस इक्वेशन थ्री ओके तो जस्ट अब यहाँ से हमने क्या करना k के और के डैस को एलिमिनेट करना तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे आप सभी जानते हैं के प्लस के डैस का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं के माइनस के डैश होल स्क्वेयेयर प्लस फोर के के डैश ओके क्योंकि जब आप ये राइट एंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये स्क्वेयर आएगा तो के प्लस के डैस की वैल्यू क्या आपके पास माइनस पी तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वेयर के माइनस के डैस की वैल्यू क्या है आर बायट माइनस एस तो स्क्वेयर करें यहां पर इसको तो क्या आएगा आर स्क्र इसको रूट करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस एस प्लस फोर इंटू के इंटू के डैस की वैल्यू आएगी क्यू ओके okay? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा माइनस पी स्क्वेयर एस इज इक्वल टू आर प्लस फोर क्यों एंड दिस इम्प्लाईज शिफ्ट कर दे उधर प्लस प्लस फोर क्यों टू जीरो स्टूडेंट ये गिवन है एंड कंडीशन क्या गिवन है इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल रूट तो हमने ये फाइंड आउट करना है ओके okay? कि दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आपके पास डिग्री कितनी है इक्वेशन की फोर डिग्री है तो क्या रूट्स होंगे फोर रूट होंगे बट कैसे होंगे टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट तो हम ये मान सकते हैं एल्फा एल्फा वन पेयर हुआ बीटा बीटा सेकेंड पेयर हुआ टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन सपोज दिस इक्वेशन इज One. तो आपने मान लिया कि इस इक्वेशन के ये रूट हैं तो यहां से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे देखिए सम ऑफ रूट क्या आएगा टू एल्फा प्लस टू बीटा बट इक्वेशन से अगर देखें तो सम ऑफ रूट के लिए आप क्यूब वाली टर्म यूज करेंगे बट इस इक्वेशन में क्यूब वाली टर्म एबसेंट है ओके okay, तो इसलिए सम ऑफ रूट क्या हुआ जीरो एंड दिस इंप्लाइज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो ओके तो अब हम यहां से इनको क्या करते हैं ऐसे पेयर ले, ले लेते हैं एल्फा बीटा एल्फा बीटा तो हमें सम ऑफ रूट पता चल गया एल्फा प्लस बीटा इज ज़ीरो तो यहां भी कह सकते हैं कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब हम यहां से प्रोडक्ट मान लेते हैं सपोज इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है पी है तो यहां से भी प्रोडक्ट कितना आएगा पी बिकॉज रूट तो सेम है ना एल्फा बीटा एल्फा बीटा ओके तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फैक्टर में ब्रेक करेंगे जेड फोर प्लस सिक्स एच जेड स्क्वेयर प्लस फोर जी जेड प्लस ए नॉट स्क्र आई माइनस थ्री एच स्क्र क्वार फैक्टर में ब्रेक करते हैं जेड स्क्वेयर सम ऑफ द रूट इज जीरो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज पी ऐसे ही जेड सम ऑफ द रूट इज जीरो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज पी तो इट मीनस ये दोनों फैक्टर सेम हो गए तो आप लिख सकते हो जेड स्क्वेयर प्लस पी का होल स्क्वेयर ओके तो ओपन कर लें स्क्वेयर को तो क्या आएगा आपके पास जेड फोर प्लस पी स्क्वेयर टू पी जेड स्क्र ओके तो अब यहां से देखिए क्या करें कॉफिशन कंपेयर करते हैं यहां से देखिए जेड स्क्शन क्या है सिक्स एच यहां से जेड स्क्शन क्या है टू पी okay, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया पी इज इक्वल टू थ्री एच नेक्स्ट जेड का कॉफिशन कंपेयर करें फोर जी इधर देखिए जेड वाली टर्म्स नहीं है तो इसलिए इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म ए नॉट स्क्यर आई माइनस थ्री एच स्क्र कॉन्स्टेंट टर्म देखिए इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है पी स्क्र ओके तो देखिए हमने पी को एज्यूम किया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी एज्यूम किया था इट मीन पी हमने एलिमिनेट करना है ठीक है तो पी की वैल्यू क्या है थ्री एच यहाँ पुट कर दें दिस इंप्लाइज ए नॉट स्क्वेयर आई माइनस थ्री एच स्क्वेयर पी की वैल्यू क्या है थ्री एच स्क्र करेंगे तो नाइन एच स्क्र एंड दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज

तो क्यूबिक इक्वेशन है थ्री रूट होंगे तो हमने मान लिया दो रूट इक्वल है एल्फा एल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन तो रूट्स हमने मान लिया एल्फा एल्फा बीटा तो अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे सम ऑफ द रूट यूज करेंगे तो सम ऑफ द रूट क्या है आएगा आपके यहां से टू एल्फा प्लस बीटा बट देखिए यहां पर की टर्म एबसेंट है तो क्या हुआ जीरो नौ अब आप क्या करेंगे दो दो का प्रोडक्ट करें एल्फा स्क्वेयर एल्फा इंटू एल्फा एल्फा स्क्वेयर प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा एल्फा दैट इज एल्फा बीटा दो दो का प्रोडक्ट किया और उनका सम तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास ए फिर हम इन तीनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे एल्फा स्क्वेयर इंटू बीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई ओके कॉल दिस इक्वेशन वन कॉल दिस इक्वेशन टू कॉल दिस इक्वेशन थ्री ओके तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड का यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा यूजिंग वन एंड थ्री फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू एल्फा बीटा की वैल्यू क्या माइनस टू एल्फा थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें ना एल्फा स्क्वेर बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या इंप्लाई करेगा यहां से बीटा की जगह आप क्या रख दें माइनस टू एल्फा तो ये हो गया आपके पास माइनस टू एल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी एंड दिस इम्प्लाइज एल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास बी बाय टू और एल्फा की वैल्यू आ गई बी बाई टू रेज टू पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट कर दिया आपने दोनों तरफ ओके तो अब ये जो वैल्यू है अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास और एल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई अब देखिए एल्फा रूट है इस इक्वेशन का तो एल्फा इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा एल्फा क्यूब प्लस ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एल्फा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या है बी बाई टू प्लस ए एल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू इज थ्री बी बाई टू थ्री बी बाय टू इज इक्वल टू इसको इधर शिफ्ट कर दें माइनस ए एल्फा एंड दिस इंप्लाइज एल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री बी बाय टू ए तो देखिए ये भी अल्फा की वैल्यू है आपके पास और ये भी अल्फ़ा की वैल्यू है दोनों वैल्यू अल्फा की हैं तो इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज बी बाई टू रेज टू पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री बी बाय टू एके अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो देखिए क्या बी बाई टू क्यूब करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से यहाँ पर देखिए क्या आएगा माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब डिवाइडेड बाय एट ए क्यूब ओके अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्दर तो, तो देखिए बी से बी कैंसिल हो गया तो बी स्क्वेयर रह जाएगा यहां पर ओके okay? यहां से इसको कैंसिल कर दे फोर तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बचा वन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन बी स्क्वेयर बाय फोर ए क्यूब ओके तो आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहां से ए क्यूब इधर आ जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को नीचे ले आए ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर बाय फोर एंड दिस इंप्लाइज ए क्यूब बाय ट्वेंटी सेवन प्लस बी स्क्वेयर बाय फोर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ओके अभी देखें हमने फर्स्ट और थर्ड को यूज किया अगर फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करेंगे तब क्या होगा ओके okay, बीटा की वैल्यू फर्स्ट से बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस टू एल्फा अगर इसको मैं सेकंड में पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा यूजिंग वन एंड टू अब हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे तो बीटा की वैल्यू तो आपके पास आ गई माइनस टू एल्फा इसको सेकंड में पुट कर दें सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है एल्फा स्क्वेयर टू एल्फा बीटा टू एल्फा बीटा इज इक्वल टू ए तो यहां से क्या करें बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा एल्फा स्क्वेयर बीटा की जगह रखेंगे आप माइनस टू एल्फा माइनस टू एल्फा तो कितना हो गया माइनस फोर एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए तो यहां से आपके पास आएगा माइनस थ्री एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एंड दिस इम्पलाइज एल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए बाय थ्री ओके अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्योंकि एल्फा रूट है तो एल्फा क्यूब प्लस ए एल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एल्फा स्क्वेयर आपके पास माइनस ए बाई थ्री है तो एल्फा क्यूब यहां पर है यहां पर एल्फा स्क्वेयर में माइनस ए बाय थ्री रख दें एल्फा स्क्वायर की जगह आपने माइनस ए बाई थ्री रखा तो एक एल्फा रह गया प्लस ए एल्फा इज इक्वल टू बी को शिफ्ट कर दे माइनस बी एंड दिस इम्प्लाइज आप एल्फा कॉमन ले लें ले यहाँ से तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास ए माइनस ए बाई थ्री ए माइनस ए बाई थ्री तो ये आपके पास आएगा टू ए बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस बी ओके अब आप फिर क्या करें यहाँ पर क्योंकि मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है अल्फा को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है अल्फा स्क्वायर यूज करें तो दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर कर दें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या फोर ए स्क्वेयर बाय नाइन ओके इज इक्वल टू बी स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वायर किया अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर रख दे यहां पर माइनस ए बाय थ्री तो यहां पर माइनस ए बाई थ्री इंटू फोर ए स्क्वेयर बाय नाइन इज इक्वल टू बी स्क्वेयर तो देखिए क्या हो गया अब आपके पास यहां से फोर ए क्यूब फोर ए क्यूब माइनस का साइन आएगा साथ में बाय ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू बी स्क्र ओके तो यहां से देखिए वही रिजल्ट आ जाएगा बी स्क्वेयर बाय फोर फोर को डिनोमिनेटर में ले आए बी स्क्वेयर बाय फोर प्लस ए क्यूब बाय ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ट्रिक्स बताई हैं आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं आंसर आपका वही आएगा कंडीशन हमने फाइंड आउट करनी है ओके okay, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आज के लेक्चर में इतना ही होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें ओके स्टूडेंट्स तो बने रहिए हमारे चैनल पर आगे अलजबरा के लेक्चर में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर थैंक यू